अगस्त सन 1947, हिंदुस्तान पर 3 सदियों पर मुहित बरतानवी राज खत्म होने को था। आज़ादी का सूरज तुलू होने को था। अकलियती मुसलमानों के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए हिंदुस्तान को तकसीम किया जा रहा था। पाकिस्तान का ख्वाब अब हकीकत इख्तियार कर चुका था। हर आंख में उम्मीद की किरण थी। हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत खुशी के जज्बे से सरशार था। हर कोई खुश था कि आने वाली नस्लें आज़ादी के चश्मे से पानी पिएंगी। पर जब कराची में जश्न का समा था, वस्ती पंजाब में एक और ही तरह की आज़ादी मनाई जा रही थी। जलाओ, गिराओ, लूट मार और कत्लो गारत गिरी की आज़ादी। खोलो, अबा की हो गए, अबा जागो, अबा उठो, अबा की हो गए, अबा कितने कितने, अबा उठ जाओ, अबा, अम्मा, रजिया, शायद, शायद, कि कि किधर, 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 बेबे, बेबे तू थे, बेबे, बेबे, हाय इधर आ, इधर आ, यार क्या हो गया, बेबे, बेबे, कौन, रसिया नू ले गए, कितने ले गए, और तेरे अब्बे और मार गए, और उन्होंने वो बचा रहे सी, वो ले गए रसिया नू, कौन से, बता नहीं कुछ नहीं होता। नहीं ढूंढ सकते। अब्बा भी वापिस नहीं आ सकता। जो कुछ बच गया वो लेके निकल ते पाकिस्तान चला जा। अज रात हाजी साहब भी जा रहे हैं, उन्होंने बेहतर है पाकिस्तान टूर जा। आई समझ। नक्शे पर खिंची एक लकीर ने रातों रात लाखों खानदानों को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। तारीख की इस सबसे बड़ी हिजरत में 10 लाख अफराद रुकमाए अजल बन गए।
अम्मा अम्मा शायद अम्मा शायद 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 मेरे प्रा की हो है अम्मा 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 जागो नवाज अपना सब कुछ लुटा चुका था, अब इसकी कुल कायनात इसका भाई था जिसकी जान बचाना उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद था। ओए कौन जा रही है? ओए रुक, ओए तू कौन है? ओए रुक, रुको, ओए रुक, रुको। तेरा बड़ा भरा है ना, तेनू बचाएगा, तेनू बचाएगा। मैं इधर ही हूँ, तेनू मैं लेके जाऊंगा। ना ही ली इधरू, कुछ भी हो जाए तू ना ही ली। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। ओए ओए मर गए, ओए ओए भाग। नवाज और शाहिद अपना सब कुछ गवा देने के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। हमारे मुल्क की बुनियाद इन जैसे करोड़ लोगों ने अपने लहू से रखी। ये याद रखते हुए हमारा फर्ज है कि अपने मुल्क के तरक्की और इस्तेहकाम में भरपूर किरदार अदा करें, ताकि एक दिन हलाल और सितारे वाला परचम दुनिया के तमाम परचमों से ऊंचा लहराए।
ਹੈ।